जय गुरु जी, संगत जी, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। जय गुरु जी। यू कैन हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जय गुरु जी, संगत जी। नाउ आई कैन स्टार्ट माई सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अगर गुरु जी को इस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी जर्नी 2006 में अप्रैल का महीना था, तब स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ से। हुआ यूँ कि जैसा भी आपने एक लास्ट सत्संग सुना होगा दिव्या आंटी का, तो जो उनके अंकल हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेडिकल इश्यूज का। तो उसके लिए जो हमारी एक स्वाति आंटी हैं वो TCS में जॉब करती थी, तो उनकी एक मैडम थी जो टीम लीडर थी, कमला मेहता मैडम, तो उनके थ्रू हम गुरुजी से कनेक्ट हुए। तो उस पीरियड में गुरुजी ने हमें बुलाया और ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया और बहुत अच्छे से ब्लेस किया। लेकिन उस टाइम पर हम लोग समझ नहीं पाए उनकी ब्लेसिंग्स, वो मैं आपको पूरा एक सत्संग है वो भी अपने आप में, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि गुरुजी ने जब हमें बुलाया अपने यहाँ, तो दिव्या आंटी के पास एक फ़ोन जाता है कि आंटी, प्रमला आंटी का, कि आप आ जाओ आज जो है गुरुजी के यहाँ 709 एम्पायर स्टेट में बैठते थे उस समय गुरुजी, तो वहाँ पर सत्संग हम लोग स्टार्ट, मतलब सत्संग सुनना और जो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं और जो लंगर प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, समोसा प्रसाद होता है, ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा और जो भी आपकी डिसीज़ है वो वहाँ पे क्योर हो जाती है। तो हमें इतना आइडिया ही नहीं था कि ये समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, ये लंगर प्रसाद, जो भी सत्संग होते हैं, गुरुजी की गुड़वाणी होती है, ये कैसे होती है। ठीक है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। हेलो, हाँ अंकल, बहुत कम आ रही है, अब आ रही है अंकल, सही आ रही है। हेलो अंकल, अब आ रही है सही? अभी भी कम है, मैं ईयरफोन लगा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, प्लीज गिव मी इंडिकेशन, कैन यू हियर मी लाउडली प्लीज? आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, जय गुरुजी। तो जब हम वहाँ गुरुजी के वहाँ, आंटी ने हमें बताया कि आपको जो है थोड़े टाइम पहले पहुँचना है गुरुजी के यहाँ, 7 से 9 सत्संग स्टार्ट होता है। तो हम लोग जो है 6:30 बजे बिफोर टाइम वहाँ पहुँच गए थे गुरुजी के यहाँ। तो हमें तो पता ही नहीं था कि मतलब गुरुजी जो हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि गुरुजी जो है कोई भगवा चोले में होंगे और जो भी होगा कि कोई हमें स्टोन्स देंगे कोई, या कुछ ऐसा नग वगैरह देंगे या कोई पूजा पाठ बताएंगे, इस तरीके से होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वहाँ पहुँच गए, बैठ गए, पहले ही जाके हम लोग बैठ गए थे वहाँ गुरुजी के यहाँ। तो गुरुजी ने जब एंट्री करी तो मतलब बहुत अच्छा स्वरूप लग रहा था गुरुजी का उस समय, रेड चोले में थे, मतलब देख के एकदम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जाने कौन भगवान आ गया। लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख हैं ना कि हमें पता ही नहीं कि ये साक्षात शिव जी के रूप हैं और आके हमारे, हम मतलब भगवान के दरबार में बैठे हैं, जस्ट लाइक एज ए हेवन। तो उस समय खैर
ये सब चीज़ें आज हम लोग सोच रहे हैं, उस समय तो बस हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं किस बाबा के दरबार में फंसा दिया है। तो जो मेरी आंटी थी, मैं उनसे मतलब लड़ा भी था थोड़ा सा, कि मैंने कहा आपने जो मेरी सिस्टर को गलत राय दे दी यार, मैंने कहा ऐसे अगर बाबा वगैरह ये सारी बीमारियाँ ठीक करने लगे तो फिर मैंने कहा डॉक्टरों को कौन पूछेगा। तो अच्छा, फिर उसमें भी एक ये स्टोरी और थी, एक छोटा सा सत्संग ये भी था कि मुझे ये बिलीव नहीं था कि जो मेरी सिस्टर है उनके यहाँ पे उनके इन लॉज वगैरह उसको अलाउ कर देंगे। लेकिन जब आंटी जो प्रमिला आंटी थी, उन्होंने जब उनको बुलाया, फ़ोन किया, तो देखो गुरुजी की यहाँ पे अपनी एक मेहर है, एक लीला है, कि उनको उन्होंने ऐसा कोई सेकंड थॉट माइंड में डाला ही नहीं कि मतलब आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बस जिस दिन उन्होंने टाइम दिया, वो ऐसा उन्होंने चमत्कार कर दिया, या एक सी गुरुजी ने लीला रच दी कि हम सब लोग उनके दरबार में पहले ही पहुंच गए। और जब हम उनके दरबार में पहुंचे थे तो वहाँ देखा कि मेनका गांधी और बड़े बड़े वीआईपी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं अपना सत्संग इसमें थोड़ा सा शेयर ज़्यादा करूँगा कि क्योंकि मेरी बुद्धि गुरुजी ने अभी ब्लेस करी है, उस समय मेरे को गुरुजी ने कुछ ब्लेस नहीं करा था, और ब्लेस करते भी नहीं क्योंकि नेगेटिव बहुत था माइंड में, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी कि जो समझ ही नहीं आती थी कि मतलब हम अपने आप में सुपर थे। ठीक है, तो उस समय जब हम गुरुजी के दरबार में जब बैठ गए वहाँ जाके, तो मुझे तो यही लग रहा था पल पल कि यार यार हम कहाँ आ गए, किस बाबा के यहाँ आ गए, पता नहीं ये कैसे करेंगे। और ये मेनका गांधी ये बैठी हुई है, और ये तो वीआईपी वाले बाबा हैं। और जब गुरुजी ने एंट्री करी तो मैंने आपको बताया ना, बड़ा आज भी हम उस पल को जीते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद मिलता है उस पल में कि गुरुजी का वाला रेड वाला स्वरूप, और गुरुजी का इतना माथे पे और फेस पे इतना तेज फॉरहेड पे, की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उस समय तो ये लग रहा था कि ये सब मतलब एक ढोंग है, एक नौटंकी है, क्योंकि ये सब जूस वगैरह पीते होंगे, बढ़िया अच्छा खाना खाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती इन लोगों को, ये वीआईपी लोग हैं। तो इस तरीके से वो उस समय का माइंड थॉट था। गुरुजी माफ़ी चाहूँगा उस समय के लिए कि ये चीज़ मैंने सोचा, और बस यही लग रहा था कि जल्दी से टाइम ख़त्म हो और हम लोग यहाँ से चलें। तो जब जब सबसे पहले हम लोग पहुँचे तो पहले जल प्रसाद आया, तो चलो जल प्रसाद लिया। फिर उसके बाद चाय प्रसाद आई, तो चाय प्रसाद में भी एक नेगेटिव थॉट आया कि अरे यार ये चाय की किस टाइप की चीज़ है, पता नहीं इसमें चाय में कुछ और मिला ना हो। मेरे माइंड में ये सब चीज़ें चल रही थी कि चाय में कुछ ऐसा ना हो कि कुछ मिला रखा हो, या कुछ अपने वश में करने का हो, या इस तरीके का हो। फिर जैसे हमें बताया गया था कि समोसा में ब्लेसिंग्स होती हैं, तो मैंने कहा यार ये किस टाइप के हैं कि समोसे और ब्रेड पकौड़े में ब्लेसिंग्स होती हैं। खैर कोई नहीं, हमने वो भी वहाँ लिया प्रसाद के रूप में। और जब सारा चीज़ हो गया, लंगर प्रसाद भी हो गया, और फिर गुरुजी ने, एक आंटी थी वहाँ, जैसे अभी दिव्या आंटी ने भी अपने सत्संग में शेयर किया था, उषा आंटी, अब हम उनका फेस देखते हैं तो याद आता है कि हाँ ये उस समय थे वहाँ गुरुजी की संगत में। तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था, तो गुरुजी ने बोला था कि आंटी खड़े हो जाओ, अपना सत्संग शेयर करो। गुरुजी पंजाबी बोलते थे, तो उस समय हमें पंजाबी ज़्यादा समझ नहीं आती थी। तो खैर चलो कोई नहीं, जब उन्होंने भी अपना सत्संग किया, बाकी जब गुरुजी ने ओम ओम नमः शिवाय का जब मंत्र जाप अपना स्टार्ट किया, तब थोड़ा सा लगा था कि हाँ चलो धार्मिक हैं, क्योंकि पूजा पाठ तो हम भी शुरू से करते हैं, पर ऐसा नहीं देखा था कि शायद ज़मीन पे भगवान है, कि इस पृथ्वी पे भी भगवान है, ये ना सुना था ना देखा था। ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं को मानते हैं कि राम जी को, राम जी आए थे आज से कितने साल पहले, या कृष्ण जी आए थे, पेरेंट्स को अपने पूजा करते हुए देखा, बड़े भाई बहनों को देखा, तो मतलब ये कभी नहीं सोचा कि शायद अभी भी ऐसे महापुरुष आते हैं। इसको यकीन करना शायद आज की डेट में तो बहुत हमने कर लिया है और गुरुजी की शरण में है, लेकिन उस समय एक यकीन करना, एक विश्वास करना बहुत टेढ़ी की था, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल टाइम समय था उस समय, कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस यही लग रहा था कि मैंने कहा कहीं हम लोग फंस ना जाएं, क्योंकि दिल्ली में जो है आपको पता ही है कि बाबाओं का इतना आतंक रहता है, तो बस वही माइंड में गलत चीज़ें भरी हुई थी जो निकल नहीं रही थी किसी भी रीजन से। तो जब गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी थी, तो हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के जो फीट हैं हमें टच नहीं करने होते हैं। तो हम सब लोगों ने तो क्या गुरुजी के टच किए फीट, और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद भी दिया। तो उस समय का आपको इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ, कि सबसे पहले मेरे जो जिया जी थे वो लगे हुए थे, फिर सिस्टर लगी हुई थी, और हाँ उनसे पहले आंटी भी थी, तो आंटी ने कुछ बोला भी था गुरुजी के कान में, तो वो पता नहीं क्या बोला उन्होंने, आई डोंट नो। तो फिर उन्होंने गुरुजी को, वो जिया जी को ब्लेस किया कि कल्याण कित्ता, जो भी उनके बारे में शायद उन्होंने बताया होगा। फिर मेरी सिस्टर को ब्लेस किया, ठीक है, और फिर जो स्वाति आंटी जो अब मेरी आंटी हैं, फिर उनको ब्लेस किया। फिर मेरा नंबर था, तो गुरुजी ने मुझसे बोला कि अपनी मैडम से ज़्यादा मत लड़ा कर। तो मुझे समझ नहीं आया, पंजाबी में उन्होंने बोला था, तो मैं आया आंटी से, जब जो प्रमिला आंटी थी, हमने उनसे पूछा कि आंटी ऐसा उन्होंने गुरुजी ने क्या बोला, तो उन्होंने फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया कि गुरुजी बोल रहे थे कि आपको ना अपना लड़ना नहीं चाहिए, अपनी आंटी से ज़्यादा लड़ाई कर। तो
अब खैर कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ से आ गए गुरुजी के दरबार से, और गुरुजी ने एक छोटा सा अपना स्वरूप भी हमें दिया था, क्योंकि हमने वहाँ पूछा था कि अच्छा गुरुजी हैं तो कुछ तो हमें फ़ोटो वगैरह कुछ तो ऐसी स्नैप दो कि हम अपने मंदिर में रखें ताकि पूजा वूजा करें जुड़ें। तो उसके बाद हम वहाँ से अप्रैल के महीने में वहाँ से हम लोग आ गए थे। फिर हमारे पास दोबारा इन्विटेशन गुरुजी ने भेजा जुलाई में, गुरुजी का जुलाई का मैं बर्थडे होता है 7 जुलाई का, तो हम लोग फिर विद फैमिली सारे लोग गए पागलों की तरह, पागल ही थे उस समय बोलना चाहिए कि मतलब पागल उस सेंस में बोलना चाहिए कि हम मूर्ख थे, कहते हैं ना अभिमानी थे, और जो बुद्धि थी हमारी वो भी पूरी ब्लॉक थी। हमें पता ही नहीं था कि हम मतलब गुरुजी के जहाँ से मतलब लोग जन्म लेते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहीं से शुरुआत होती है, और वहीं से हम इस दुनिया में आते हैं और वापस उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं। तो खैर बड़े मंदिर गए, इन्विटेशन था एक दावत का, उस समय तो हमें वो दावत ही लग रही थी। बड़े अनमने मन से गए कि अरे यार चलो ठीक है, वो आंटी बुला रही हैं तो उन्होंने इतने फ़ोन किए हैं, एक उनके ऊपर मतलब एक एहसान था कि उन्होंने इतना फ़ोन किया है तो जाना चाहिए, यार चलो चलते हैं, चले जाते हैं। गए, दावत खाई, दावत ही बोलूँगा, उस समय मैं लंगर प्रसाद, मुझे आइडिया नहीं था कि ये ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी का प्रसाद है इतना बड़ा, और इसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ठीक है। और इनसे मतलब जहाँ डॉक्टरों की जो दवाइयाँ हैं बड़ी से बड़ी काम नहीं करती, वहाँ हमारा गुरु जी का प्रसाद काम करता है। तो हमें पता ही नहीं था कि ये इतनी मतलब ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी बहुत बड़ी गलती हुई उस समय हमसे। गए, खाया पिया, ऐश करा, खूब एंजॉय कराया गुरु जी ने, ना हमको जानते हो भी नहीं कि हमने तो ऐसा था कि एक किसी पार्टी में जा रहे हैं और एंजॉय करो, खूब अच्छे से एंजॉय किया। एंजॉय किया तो आंटी ने बोला कि चलो अब चलने का समय है, जब ख़त्म हो रहा था 10-11 बज रहे थे रात को, शायद और ज़्यादा ही लेट हो रहा होगा, चलो गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। तो जब गुरु जी से आज्ञा लेने का समय आया तो हम स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ से देखते हैं कि बहुत मतलब उस समय इतना क्राउड नहीं होता था क्राउड पर इतना नहीं था जितना आज की डेट में। तो हम बोले, मैं कहा नहीं नहीं आंटी गुरु जी बिजी हैं, आप भी परेशान मत होइए, और हमने बस यहीं से हाथ जोड़ देते हैं और हम चल रहे हैं, क्योंकि वो मन में एक था ना कि पता ही नहीं था कि गुरु जी का ऑरा क्या है, गुरु जी हैं क्या, हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे तो ये भगवान है, साक्षात शिव जी हैं, पता ही नहीं था। हम तो बस उस समय ये सोचे थे कि हाँ भाई कोई बाबा है, ठीक है मजबूरी है कि जहाँ आदमी सब माथा टेकने जाता है तो हम भी एक गुरु जी के दरबार में टेक लें, कि वहाँ सिस्टर की प्रॉब्लम थी उनको, तो बस ये था कि चलो शायद किसी दरबार में माथा टेकें, शायद वहाँ से कुछ ऐसा हो जाए कि इसको थोड़ा सुकून मिल जाए और हमारे जिया जी ठीक हो जाए। तो बस खैर वही चीज़ें थी, और कुछ नहीं था मन में कि ये था कि कोई और ऐसा हो, बस एक डर वही रहता है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वही बाबा वाला कि हाँ भाई बिलीव कैसे करें, एक विश्वास कैसे करें। और ये मैंने देखा है कि पल पल पे ना गुरु जी अपने आप सारी चीज़ें कराते हैं, विश्वास भी अपने आप कराते हैं, प्रैक्टिकल थिंग्स बहुत कराते हैं, मतलब इतनी लाइफ में मैंने देखा। उसके बाद हम वहाँ से बिना गुरु जी का, आंटी ने बहुत बोला कि चलो आपको मैं दर्शन तो कर लो, हमने बाहर से ही दर्शन करे गुरु जी को, शायद मैं ये कहूँगा गुरु जी को उस समय हमें बाहर से ही ब्लेस करना था, या जो उनको हमें दावत जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो लंगर प्रसाद उन्होंने खिलाया वो उसी समय उन्होंने हमें ब्लेस किया, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी मोटी थी ना कि हमें तब भी समझ नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए। खैर उसके बाद जो है, मेरी सिस्टर हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं, मैं गाजियाबाद ही रहता हूँ, तो ये लोग अपने हल्द्वानी चले गए, हम गाजियाबाद में ही थे। खैर कोई बात नहीं, जिया जी का ट्रीटमेंट चलता रहा, मेडिकल साइंस है जो भी था, तो उस पीरियड में भी हमें ये फील नहीं हुआ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स यहाँ पे काम कर रही हैं। अल्टीमेट मैं बताऊँ तो मुझे नहीं फील हो रहा था कि यहाँ पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स काम कर रही हैं, क्योंकि दवाइयाँ भी तभी काम करती हैं जब गुरु जी का आशीर्वाद हो। तो उसके बाद खैर कोई बात नहीं, न्यू ईयर का प्रोग्राम होता है, तो नए साल पे आंटी का फ़ोन आता है कि आप में से कोई तो आ जाओ, तो सिस्टर वगैरह और मेरी आंटी वगैरह तो कोई नहीं जा पाए, मैं और मेरा रूममेट था, तो हम लोग गए, और गाजीवास से उस समय बस जाती थी, तो हम बस में गए कि चलो यार पार्टी है, पार्टी में जाएंगे, एन्जॉय करेंगे, न्यू ईयर का है। बड़े अच्छे से हमने एन्जॉय किया, गुरु जी की ब्लैसिंग्स ली, पर वही फिर एक बात बोलूँगा, हमारी मानसिकता, मेरी हमारी नहीं, मेरी मेरी मानसिकता वही एक मतलब वही थी कि मैं फिर गुरु जी से मिल के नहीं आया, और गुरु जी के बस वहीं से बाहर से ही आके गुरु जी को हाथ जोड़ के, बस जैसे एक होता है ना फॉर्मेलिटी करना कि हाँ बस एक प्रसाद खाया, प्रसाद ना बोल के मैं उस समय का मीनिंग आपको दावत ही बोलूँगा कि न्यू ईयर का एक था प्रोग्राम, चलो वैसे हम पार्टी अटेंड करते हैं इस बार, चलो गुरुजी के ऊपर एहसान कर दो कि गुरुजी के यहाँ हमने पार्टी अटेंड की है, तो उस टाइप से ही किया। उसके बाद फिर हम आ गए, उसके बाद मेरी शादी हो गई, उससे पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि जिनसे मेरी आंटी, मैं आपको बता रहा हूँ स्वाति आंटी, तो बस वो इसी वजह से शादी रुकी हुई थी कि जिया जी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे, सारी फैमिली परेशान थी, उनकी फैमिली भी और हमारी फैमिली भी। खैर 2007 में शादी हो गई, उसके बाद जो है हमें पता भी नहीं था कि गुरुजी ने भी चोला छोड़ा है,
या जो भी था, हमें आइडिया भी नहीं था कि चोला छोड़ना क्या होता है, कुछ नहीं। 2009 में एक बार हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो मेरी आंटी ने बोला कि यार ये जो गुरुजी हैं हमें इनके बारे में पूछना चाहिए, आजकल हैं कहाँ और एक बार हमें मिलने आना चाहिए। तब भी मेरे माइंड में नहीं आया कि देखो गुरुजी का फिर एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप आओ, जुड़ो, कनेक्ट हो, मेरी ब्लेसिंग्स लो। पर हम तो इतने मूर्ख, इतने गधे, इतने अभिमानी, मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैंने अपनी जो मैडम है उनकी बात को आई गई कर दिया। मैं कहा ठीक है देखते हैं, मगर तुम भी कहाँ इन बाबाओं के चक्कर में हो। तब भी नहीं पता था कि गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें पहले से दे रखी हैं, कनेक्शन कर रखा है, या कोई हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता था कि उस समय क्या था, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जैसे एक आता है ना आंटी के दिमाग में आता था हमेशा कि 2009 में भी आया, 2010 में भी आया, कि हमें एक बार गुरुजी के दरबार में जाना चाहिए। तो फिर मैंने आंटी को बोला अच्छा चलो तुम पता करो कि क्या है, चलेंगे किसी दिन गुरुजी के वहाँ एम्पायर स्टेट में फिर से। तो और बड़ा मंदिर भी था, तो खैर कोई बात नहीं। तो आंटी ने जब पता किया तो पता लगा कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। उन्होंने हमें डिस्कस भी किया तो मैंने एक बिल्कुल एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। माफ़ी चाहूँगा गुरुजी इसके लिए भी कि बिल्कुल कहते हैं ना अनजान थे हम लोग, हमें पता ही नहीं था, नादान जिसे कहना चाहिए। और ये इस बात का मैं शुक्राना करूँगा गुरुजी ने कि बहुत समय रहते हुए हमारी बुद्धि खोल दी, क्योंकि मैं बहुत सारे सत्संग सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गुरुजी से कनेक्ट होने में लोगों को 10-10 12-12 साल लग गए। यही हमारा भी है कि हमें भी गुरुजी से कनेक्ट होने में कम से कम 15-16 साल लग गए, मिले मिले हुए भी मतलब ना मिले के बराबर थे। पर ये अच्छा था कि हमने कहते हैं ना कि गुरुजी को एक बात बोलते हैं कि गुरुजी कि आप हमारी बहाँ मत छोड़ना, हम तो छोड़ सकते हैं आपकी उंगली, क्योंकि हम तो मतलब कहना चाहिए कि एक एक चीज़ बोलना चाहिए ना कि हम लोग तो स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, कि जब मतलब पड़ा तो आपको याद कर लिया और नहीं पड़ा तो हाँ ठीक है, उस समय वाली वो सिचुएशन थी। लेकिन शुक्राना गुरुजी की जो आपने हमारी सबकी हाथ को पकड़े रखा, छोड़ा नहीं, हमने छोड़ दिया लेकिन आपने नहीं छोड़ा। तो 2010 में फिर आंटी ने हमें बोला कि यार देखो एक बार हमें गुरुजी के दरबार में जाना चाहिए, और गुरुजी ने सुनाया चोला वोला भी छोड़ दिया। तो फिर मैंने आंटी को बोला कि यार यार जब उन्होंने चोला छोड़ दिया तो आप किससे जाके मिलना, कौन होगा वहाँ, ठीक है अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब तो कोई उनका, हमें तो यही था कि कोई उनका असिस्टेंट टाइप से अगर मैं बोलूँ कि कोई उनका अनुयायी होगा या कोई उनका जूनियर होगा, मैंने कहा वो संभाल रहा होगा गद्दी, हमें पता ही नहीं था। मतलब हम आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं ये चीज़ें, हमें ये पता ही नहीं कि गुरुजी का क्या था, मतलब वी डोंट नो। तो वो बात भी फिर आई गई हो गई। खैर फिर गुरुजी का एक करिश्मा होता है, गुरुजी ने बोला कि नहीं मैं तुम्हें बुला के रहूँगा अपने दरबार में, ऐसे नहीं, अभी अभी तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ नहीं बना है, अभी कनेक्शन बनाना है तुम्हारा। अब वो बना भी, वो ऐसे बना कि 2013-14 की बात है कि हमारे यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में, शायद नागनिया अंकल भी सुन रहे हो इस समय, तो उनके यहाँ पे सत्संग था, हम उनको नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानते थे। तो एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है मेरी सिस्टर के पास, जो हल्द्वानी में, जो दिव्या आंटी ने अभी सत्संग किया था, उनके पास मैसेज आता है। उन्होंने मेरी वाइफ को, मेरी आंटी को भेजा कि स्वाति देखो ये एक गाजियाबाद में एक सत्संग है। अच्छा हमें उस समय सत्संग का भी नहीं ज़्यादा पता था कि सत्संग होता क्या है, बस ये पता था कि हाँ जाओ और दावत मिलती है बढ़िया वाली, चाय, पहले पानी मिलता है, जल प्रसाद तो मैं अभी बोलूँगा, मैं उस समय तो हम पानी ही बोलते थे, पानी मिलता है, चाय मिलती है, समोसा मिलता है और एक दावत मिलती है बढ़िया सा। तो उस समय थोड़ा सा हेजिटेशन ये होती थी जब सिस्टर ने बोला कि यार यार किसी को इनवाइट किसी ने किया ही नहीं और आप ऐसे ही पहुंच जाओ, तो मन में ये अभिमान कह लो, एक मैं वाली बात कह लो कि हमें नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से वो एक आया। तो मेरी आंटी ने बोला कि वो तो एकदम तैयार बिल्कुल बैठी थी, कहते ना कि गुरुजी का बस बुलावे का इंतजार था, उस पर कृपा थी गुरुजी की, तो वो तो एकदम तैयार थी। वो तो उसने उनके यहाँ हर मंथ में लास्ट संडे को सत्संग होता था अंकल के यहाँ। तो उसने बोला यार मुझे तो जाना है, एड्रेस वेड्रेस लिया, उसने फ़ोन किया अंकल के यहाँ पे कि अंकल आपके यहाँ सत्संग है, मैंने सुना है हम लोग आना चाहते हैं, तो हमें पता ही नहीं था कि इस तरीके से कुछ होता है। तो उन्होंने अंकल ने बोला नहीं नहीं आप बिल्कुल आइए, वेलकम है आपका, आप सत्संग अटेंड करिए। तो आंटी ने मुझसे बोला, तो मैंने बहाना लगा दिया आपको सही बताऊँ, मैंने कहा बच्चे हैं तुम लोग जाओ अभी पहले देखो वहाँ पे क्या होता है, और मैंने कहा मैं नहीं जा रहा आप जाओ, मैंने और काम है थोड़ा सा थका हुआ हूँ या ऑफिस से, सब संडे था तब भी उसके बाद मैंने जो मुझे मतलब मन में आया मैंने बहाना लगा दिया। खैर आंटी मैंने कहा घर पे भी कोई रहना चाहिए और बच्चे वैसे भी अलाउ नहीं होते, परेशान करेंगे, और आप जाके अटेंड कराओ। तो आंटी अकेले गई, उन्होंने अटेंड किया गुरुजी की, वहाँ उनको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स मिली। तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे घर पे भी सत्संग हो। तो गुरुजी ने वो अरदास कबूल भी करी बड़े अच्छे से।
तो वहाँ उन्होंने अंकल जो नागनिया अंकल उनसे पूछा, तो अंकल ने, अब जैसे होता है कि भाई उनके यहाँ भी सत्संग था, वो भी बिजी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी आपको जब कराना हो तो आप बता देना हम देख लेंगे। मतलब कोई उन्होंने ऐसी एग्जैक्ट डेट नहीं दी, कुछ नहीं दिया। मेरी आंटी को बहुत अच्छा लगा सत्संग सुन के, तो वहाँ उनको पता लगा कि उनके हर महीने सत्संग होता है, तो उसने अब वहीं सोच लिया कि मैं अब हर संडे को, मतलब हर मंथ के लास्ट वाला जो संडे होता है, अंकल के यहाँ आया करेंगे। खैर वो आए, जल प्रसाद लेके आई, थोड़ा प्रसाद भी लेके आई घर पे जो वहाँ से उनको मिला था, हमने खाया। शायद उससे थोड़ी बहुत बुद्धि सही हुई होगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं सही हुई थी। उसके बाद जब 2015 में, जब ये अगस्त का महीना था शायद, मुझे डेट थोड़ी सी कम याद रहती है, ये भी गुरुजी की शायद कोई महिमा होगी, मुझे ज़्यादा डेट नहीं याद रहती। तो बस हाँ, गुरुजी के जो सत्संग हैं छोटे छोटे मेरी लाइफ में, बहुत सारे सत्संग हैं ठीक है, वो मुझे याद रहते हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस समय जो है उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी हमारे घर पर भी सत्संग हो, आप हमारे यहाँ भी आओ सरू, मतलब आप हमारे यहाँ पर ही भी आके आप बैठो और हम लोग आपका आवभगत करें, या जिस तरीके से भी आपको करें। इस तरीके से उन्होंने अरदास लगाई, उन्होंने आके मुझे बताया कि मैंने वहाँ गुरुजी के दरबार में अरदास लगाई है और बहुत अच्छा था, और वहाँ मुझे फील हुआ कि गुरुजी की प्रेजेंस है इस तरीके से। तो खैर ठीक है कोई बात नहीं, वो आ गए, हमने सोचा कि ठीक है चलो। मैंने कहा अब 1 महीने की बात गई ना, अब 1 महीने की, 1 महीने बाद देखी जाएगी। तो वही है, मैंने एक जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रहता है, तो मैंने डिस्कस ही नहीं करा। मैंने कहा ठीक है चलो अगले महीने की, अगले महीने देखी जाएगी। अब वो 30 दिन भी बहुत जल्दी से पूरे हो गए। अब वो अगला संडे आ गया, आंटी ने फिर बोला कि चलो यार इस बार सत्संग में चलना है, तो मैंने फिर बहाने लगाने शुरू करे। लेकिन अब क्या, गुरुजी की मर्जी कुछ और थी, गुरुजी ने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं छोड़ना। अब मैंने एक बंदे को तो बुला लिया, अब तुझे भी बुलाना है। तो खैर गुरुजी ने ऐसे ऐसा माइंड सेट किया कि हम लोग पूरी फैमिली के साथ अंकल के यहाँ पहुँचे और वहाँ बैठ के फिर सत्संग किया, बहुत अच्छे से, बड़ा आनंद आया ठीक है। लेकिन अभी भी दिमाग ये एक्सेप्ट करने को राजी नहीं था उस समय कि गुरुजी जो हैं शिव हैं, या गुरुजी भगवान हैं, या गुरुजी के पास इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं जो हम बहुत पहले भी ले सकते थे और आज भी ले सकते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं, उस समय नहीं थी माइंड में, बस ये था कि हाँ गुरुजी के दरबार में बैठे हैं। एक कोई जैसे पूजा पाठ, एक रामायण का किसी के यहाँ पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, इस तरीके से मन में सोच रहे थे कि हाँ इस तरीके से है। तो लेकिन आनंद खूब आया, गुरुजी ने उस समय 2 घंटे इतना आनंद दिया कि मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ब्लेस किया। प्रसाद वसाद खा के हम लोग आ गए वापस। तो उसके बाद जो है आंटी ने अंकल को फ़ोन किया कि मेरे से बोला कि यार सत्संग हम लोग भी करा लें, तुम कहो तो मैं डेट फाइनल कर लेती हूँ। हमने कहा चलो तुम कर लो भैया, अगर तुम्हारे मन में है तो सत्संग करा लो ठीक है चलो। तो जब बात हुई तो उन्होंने अंकल को फ़ोन किया, तो अंकल से जब बात हुई होगी तो अंकल ने कहा अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ आपको सत्संग के बारे में। फिर 2-3 दिन बाद फिर आंटी ने फ़ोन किया, तो आंटी जो नागनिया आंटी हैं अंकल की जो आंटी हैं उनको फ़ोन किया, तो आंटी ने कहा ठीक है मैं अंकल से बात करके बताती हूँ। तो फिर मेरी आंटी का बोलना था कि सचिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि अंकल ना थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, नागनिया अंकल जो हैं सत्संग के लिए, कि हम अभी नई संगत हैं, हम लोग कुछ जानते नहीं हैं इन सब के बारे में। और हमें वैसे भी नहीं पता था, सच्चाई भी ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि सत्संग में ये होता क्या है या इस तरीके से। बस वहाँ अंकल के यहाँ फर्स्ट टाइम हमने पहले गुरुजी के दरबार में हमने सत्संग अटेंड किया था, या उसके बाद फिर हमने नागनी आंटी के यहाँ किया था। तो उसके बाद जो है मैंने कहा चलो एक काम करना कि एक बार और फ़ोन करके देख लो, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। जब गुरुजी की अगर है, तो इतना तो थोड़ा विश्वास था कि हाँ गुरुजी हैं। अच्छा मेरी जो सिस्टर हैं उनको तो बीच बीच में विश्वास होता चला गया था, बिलीव था कि हाँ गुरुजी ने कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स करी है। पर मेरी मेरी जो मैं अपना जो आपको बता रहा हूँ, मेरे सत्संग में कहीं अभी तक मुझे बिलीव नहीं है यहाँ तक। बस था हाँ कोई है, महापुरुष हैं, अच्छा है, उनके पास ऐसी कोई पावर होगी या उनके हाथ में ऐसी कोई ब्लेसिंग्स होगी कि वो हाथ जो दे दें तो किसी का बीमारी है, किसी की हेल्थ है, वेल्थ है, वट एवर जो भी है उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाती हैं। अच्छा जो गुरुजी ने हमें डे वन जब हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में गए थे, तो उन्होंने हमें एक छोटा सा स्वरूप वहाँ से मिला था, तो वो हमने मंदिर में अपने रख रखा था। तो हम मतलब सब भगवानों की पूजा करते थे, तो कहते हैं ना गलती से उन गुरुजी की पूजा हो जाती थी, मैं तो उस चीज़ को गलती ही बोलूँगा, गलती से पूजा हो जाती थी। तो हमें ये नहीं पता था कि चलो इस बहाने गुरुजी की भी हम आरती कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी की आरती जो है ओम नमः शिवाय शिव वो वाली जो होती है, जो शिवजी वाली आरती होती है वो होती है, हमें कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि हमने जब गुरुजी के एम्पायर स्टेट में गए थे तो बस वो मंत्र जाप किया, जो शिवजी की आरती हुई, गुरुजी की आरती हुई, तो हमने फॉर ए ग्रांटेड ऐसा सोचा कि हाँ चलो ठीक है, जैसे सब होता है मंदिरों में होता है, या सब लोगों ने अपने बाबाओं ने ऐसे बना रखे हैं, रूल वगैरह सिस्टम ऐसे बना रखे हैं, तो वही चीज़ें होंगी। तो उसके बाद हमने सोचा ही नहीं था कि ये सब चीज़ें हैं। खैर उसके बाद जो है जब आंटी ने दोबारा आंटी नागनी आंटी को फ़ोन किया, तो वो गलती से अंकल ने उठा लिया फ़ोन। देखिए यहाँ गुरुजी की लीला फिर स्टार्ट होती है।
जब उनसे बोला कि अंकल अब जो है सितंबर का ही महीना था उस समय, और शरारत चलते हैं जिनको हम कनागत भी बोलते हैं, तो आंटी ने पहले खैर मुझसे पूछा था कि यार कनागत चल रहे हैं क्या, शरारत में हमें कराना चाहिए? तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लो, अभी अंकल सत्संग के लिए तो अभी एग्री नहीं होंगे, और कनागत में वैसे भी कोई शुभ काम नहीं कराना चाहिए। तो मैंने कहा अभी जब तुम बोलोगे तो वो अगले महीने की डेट देंगे कोई ना कोई, तो मैंने कहा उस समय करेंगे, मैंने कहा एक बार बात कर ही लो। तो आंटी ने जब मेरी आंटी ने जब फ़ोन किया अंकल को, तो वो आंटी किया नागनिया आंटी को था, लेकिन फ़ोन देखो गुरुजी की लीला, वो उठाया नागनिया अंकल ने। जब अंकल ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला, तो मेरी आंटी ने बोला कि अंकल वो सत्संग के लिए बात करनी थी आपसे, अब बताओ आप कब करा लें। और मैं ये सोच रही हूँ कि शरादों में ना करा के हम लोग शरादों के नवरात्रि वगैरह होंगे तो उसमें कराया जाए। तो अंकल बोले कि नहीं, गुरुजी तो कहते थे कि मैं तो शराद वगैरह कुछ नहीं होता, आप शरादों में ही कराओ, इसमें तो बहुत अच्छा है, इसमें तो मतलब आपको क्या, आपके जो पूर्वज होंगे उनको भी ब्लेस करेंगे गुरुजी। तो जब बात हुई तो अंकल ने, एक संडे था जो भी, मुझे अब वो डेट याद नहीं कब था, सितंबर का महीना था शायद, महीना पूरा सितंबर का ही था शायद, नहीं सितंबर का था, तो उस समय उन्होंने सत्संग के लिए एक डेट फाइनल कर दी और बता दिया कि 12 से 2 सत्संग होगा, 2 से 2 घंटे का होगा, और हम आएंगे और आप जो है ये सब तैयारी करके रखिएगा। तो जैसे एक होता है ना कि कोई हम रामायण का पाठ कराते हैं सत्संग का, तो हमें अब आइडिया नहीं था, हम उनके यहाँ पहुँच गए कि अंकल हम शाम को आएंगे आपके यहाँ, आप एक पर्चा बनवा दीजिएगा क्या क्या होता है। तो उस समय हमने उनसे पर्चा बनवाया है कि क्या फूल लेके आने होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि जब हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट में गए थे तो वहाँ एक गुरुजी की फ्रेगनेंस आती थी, तो हम तो उसको परफ्यूम समझे थे, आपको सही बताया कि कोई एक सेंट लगा के बाबा बैठे हैं वहाँ पे, बड़ा बढ़िया तरीके से परफ्यूम वर्फ्यूम, क्योंकि जबकि वहाँ कोई फूल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन हमें तो यही था कि मैंने कहा एक रूम स्प्रे वगैरह जो आजकल इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के आते हैं तो शायद वो होगा। लेकिन जब नागनी आंटी के हमने पहला सत्संग किया तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस का आइडिया हुआ था कि हाँ गुरुजी आते हैं, ये चीज़ हुई थी, लेकिन तब भी माइंड ये एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार था कि शायद ऐसा है। तो जब हमारे यहाँ सत्संग हुआ तो हमारे पास कोई स्वरूप भी नहीं गुरुजी का, अब स्वरूप कहाँ से आए? उन्होंने बोला कि अंकल ने, नागनी अंकल ने बोला गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए, चरण स्वरूप होना चाहिए, एक नानक नानक देव नानक जी की एक स्वरूप होना चाहिए और एक भोलेनाथ जी का स्वरूप होना चाहिए, ये सब उन्होंने जो बताया। तो हमने अब अरेंज करना स्टार्ट किया उस समय की, एक कहते हैं ना कि हाँ जैसे कि एक कोई फेस्टिवल है, एक कोई त्यौहार मनाना है आपको, एक कोई या जन्माष्टमी वगैरह इस तरीके से, तो हमने सारा सामान कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब सबसे पहली बाधा आएगी गुरुजी का स्वरूप कहाँ से आए? तो आंटी जब नागनिया अंकल के यहाँ जब सत्संग था तो वहाँ पर एक कोई अंकल थे, तो उनसे मिले थे, अश्वनी अंकल थे शायद, वहाँ पे गाजियाबाद भी रहते हैं, तो उनसे जब बात हुई थी तो उनका नंबर ले लिया था। तो आंटी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अंकल कहीं से एक स्वरूप मिल जाए हमें तो बढ़िया होगा। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना एक स्वरूप मैं बाइंड करा के दे दूंगा। चलो जी ठीक है, उन्होंने बोल दिया। बाकी हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर एक जगदम्बा करके एक शॉप है क्लॉथ हाउस की, शालीमार गार्डन में गाजीवा, तो हम कोई सामान लेने के लिए उनके यहाँ गए, तो हमने देखा गुरुजी का वहाँ स्वरूप लगा हुआ है। देखो गुरुजी ने कैसे कैसे चीज़ें ब्लेस करी हैं, देखिए ये भी एक तारीफ है कि जब हम उनकी शॉप पर पहुँचे तो हमने कहा अरे आप गुरुजी को मानते हो, अच्छा हम भी मानते हैं, सामने दिखाने के लिए मैं तो बोलूँगा, लेकिन मेरी आंटी तो डे वन से ही मानती हैं और सिस्टर भी डे वन से मानते थे, लेकिन हम तो आपस में वही है ना कि एक शो ऑफ ज़्यादा करना होता है। तो मैंने वहीं पे हमने मैंने ही बोला था शायद कि नहीं हम भी मानते हैं गुरुजी को, लेकिन उस समय तक एक्सेप्टेंस नहीं थी तो बोल दिया उनके यहाँ पे। तो हमने बोला कि मेरी आंटी ने बोला कि नहीं हम लोग भी फर्स्ट टाइम सत्संग करा रहे हैं तो आप लोग भी आइएगा, क्योंकि हमारे पास जस्ट घर के पीछे ही उनकी शॉप है। तो हमने उनसे आइडिया लिया कि यार हमारे पास स्वरूप वगैरह नहीं है तो ये कहाँ से लिया जाए। तो उनके पास एक गुरुजी का चरण स्वरूप रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा आंटी देखिए आप ये अंकल जाएंगे, अगर किसी मंडे वगैरह जाते हैं वैसे, अगर ये जाएंगे तो ये स्वरूप ले आएंगे, आप ये चरण स्वरूप हमारे से ले जाओ। देखिए गुरुजी का जो स्वरूप था वो अश्वनी अंकल ने बोल दिया, और जो चरण स्वरूप था वो इनके यहाँ से हमें मिल गया, हमने ले आए, हमने उसको बाइंड वाइंड करा लिया, रख लिया। अब उसके बाद जो है डे आ गया जिस दिन सत्संग था, स्वरूप भी आ गया था क्या उससे एक दिन पहले ही हमारे पास गुरुजी का, और बहुत बढ़िया, मतलब गुरुजी का स्वरूप क्या है, गुरुजी आए थे। मैं तो समझता हूँ कि गुरुजी आ तो उसी दिन गए थे जिस दिन हम एम्पायर स्टेट गए थे और हमें छोटा वाला स्वरूप मिला था, लेकिन हमारी अज्ञानता कह लो या बेवकूफ़ी कह लो, हमें नहीं पता था कि गुरुजी हमारे साथ ही है, अभी भी हैं। और मैं आपको अभी बीच में एक चीज़ बताऊँ कि आज सुबह से मैं थोड़ा टेंस था कि
कि आज मेरा फर्स्ट सत्संग है और लाइव है, मैं गुरुजी के बारे में इतना जानता नहीं हूँ तो मैं कैसे कैसे बताऊँगा। तो गुरुजी सुबह ही आ गए आज, फ्रेगनेंस मैं आंटी को बोला, मैंने कहा तुम्हें आ रही है कुछ फ्रेगनेंस, जबकि मेरे यहाँ कोई गुलाब का फूल नहीं कुछ नहीं। 11 साढ़े 11 बजे, वैसे तो हम लोगों ने अब गद्दी लगा रखी है गुरुजी की, रहते हैं, पर गुरुजी की फ्रेगनेंस आ गई थी सुबह 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी, तो मैं समझ गया, मैंने कहा गुरुजी हैं, आ गए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, और कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। मतलब जितना शुक्राना बोलें उतना कम है। और बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने दी हैं हमें, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज किया है, उन सब के लिए शुक्राना। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा गुरुजी से, अपनी सारी संगत को ब्लेस करो इस कोरोना टाइम में। और ये जो गुरुजी नाल मोजा ग्रुप है, देवेंद्र अंकल बहुत अच्छा है, बहुत सारे अंकल हैं जिन्होंने शिव रीडिंग, शिव पुराण, जो इस तरीके का ग्रुप चलाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को सुनने को मिल रही है, और हम लोग भी ब्लेस हो रहे हैं, सब लोग ब्लेस हो रहे हैं। तो अब जिस दिन गुरुजी का सत्संग था तो हमें यही नहीं पता था कि खाने में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हम तो सब वहाँ पूछ के आए थे, पूरी क्लास नागनी आंटी के यहाँ से लेके आए थे, खाने में क्या होना चाहिए, ठीक है, चाय चाय प्रसाद तो होती है, जल प्रसाद में हम ये बॉटल रख लें, हमें कुछ नहीं आइडिया था, बिल्कुल एक कोरा कागज़ थे साहब। वहाँ से हम लोगों ने पूरी जब लेके आए थे तो वही चीज़ अरेंज कर रखी थी। अब गुरुजी के प्रसाद में गुरुजी को चटनी बहुत पसंद है, अब वो हम चटनी भूल गए, हमें पता ही नहीं कि गुरुजी को चटनी पसंद है, ठीक है। अब देखो गुरुजी की लीला, कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ अगर आपकी अधूरी रह रही है तो गुरुजी उसको पूर्ण करा देते हैं, ये भी एक है, मैंने मैंने फील करी है, सारी चीज़ें महसूस करी हैं, और प्रूफ है, मतलब मैं आपको जो भी आपको बोल रहा हूँ वो सारी मेरी अपनी पर्सनल प्रूफ करी हुई सारी चीज़ें हैं। कहना नहीं चाहिए मुझे ये सब चीज़ें, लेकिन क्या करूँ, मैं अज्ञान हूँ, और उस समय मेरी मोटी बुद्धि कह लीजिए, बेवकूफ़ी कह लीजिए, तो ये सब चीज़ें कहते हैं ना कि आदमी एक या कह लो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हम लोग, तो वो सारी चीज़ें प्रूफ कर करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरा ब्रदर इन लॉ था, गुरुजी ने ये सेवा उसको ब्लेस करी, उस समय जो शालीमार गार्डन में थे लोग, जो गुरुजी के मतलब फॉलोअर थे, तो वो आ गए थे, तो उन्होंने कहा अरे आपके यहाँ चटनी नहीं है, और गुरुजी के यहाँ गुरुजी जो वो अपने साथ प्रसाद और भी लेके आए थे, लेकिन कोई चटनी नहीं लेके आया था। तो वो मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, तो एक आंटी थी, तो उन्होंने बोला कि भैया आप जाके चटनी वो धनिया ले आओ, हम फटाफट से चटनी बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो दरबार में बैठे हुए थे गुरुजी के, तो हमें तो ये बैक एंड जो ये स्टोरी है बाद में पता लगी कि वो फिर अपना धनिया वनिया लेके आया, गुरुजी को चटनी बनाई गई उसी समय पे। और आप देख लीजिए अब उस समय 2 घंटे का सत्संग होता है तो कितना कम समय होता है, वो लाया फिर बनाया, धनिया भी साफ़ करा गया होगा, तो गुरुजी ने बहुत बढ़िया वो लंगर प्रसाद भी हुआ, जितने लोग आए अंकल नागनी अंकल आए, और जो अश्वनी अंकल थे और कई लोग आए, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आपके यहाँ प्रेजेंस हैं, और गुरुजी ने अपने इंडिकेशन भी बहुत बहुत सारे दिए, जैसे ओम बनने का है, बहुत सारे मेरे पास आज भी वो फोटो है, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन तब भी अभी मन ने ये एक्सेप्ट नहीं करा था। मैं आपको अभी भी यहाँ बता रहा हूँ कि हाँ गुरुजी शिव का रूप है, अभी भी नहीं एक्सेप्ट करा हमने, या तो कह लो कि हम लोगों ने भी अभी पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करा। वो जैसे होता है ना कि हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई रामायण का पाठ कराते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, वो छोटेपन से देखते हुए आए हैं, तो वही सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं, तो उन्हीं को सबको देखते हुए करते रहते हैं। तो तब भी ये था कि हाँ चलो अच्छा है गुरुजी आए हैं, बहुत बढ़िया है, लंगर प्रसाद खिलाया और गुरुजी ने हमें ब्लेस करा। उसके बाद हमने पूछ लिया कि अब उसके सत्संग करने के बाद क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे होता है, और गुरुजी की फ्रेगनेंस उतनी थी उस समय, ज़बरदस्त गुरुजी की फ्रेगनेंस थी, बहुत बढ़िया जिसे कहना चाहिए। तो बस उस समय तो बस गर्व से सीना फूल रहा था कि हाँ चलो यार हम भी इसका मतलब गुरुजी के फॉलोअर हैं, और इसका मतलब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। खैर कोई बात नहीं, वो सत्संग हो गया, उसके बाद जो है मेरी आंटी तो जुड़ती चली गई, वो हर महीने अंकल के यहाँ सत्संग में जाने लगी, और मैं भी जो है मतलब जुड़ तो मैं भी गया था लेकिन पूरी तरीके से नहीं जुड़ा था। वो आंटी जाती थी तो आंटी बोलती थी यार मैं अकेले जाऊंगी, गाड़ी कैसे ड्राइव करूंगी, कभी कोई उनका बहाना चलता था, तो इस तरीके से हम लोग जाने लगे। खैर मैं तो अभी गुरुजी को टेस्ट ही बोलूँगा, मैं गुरुजी को मैंने पल पल पे टेस्ट किया। अब गुरुजी का एक टेस्टिंग आता है कि मैं जहाँ जॉब करता था तो वहाँ पे सेल चेक जो है, पहले तो नेट बैंकिंग के थ्रू सैलरी ट्रांसफ़र होती थी, फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि सैलरी जो है चेक के थ्रू मिली। तो अब जब चेक के थ्रू होती थी तो हम और हमारे बॉस ही सब लोग, मतलब मैं उस हम लोग उस पोजीशन पे थे उस समय कि हम लोग के थ्रू ही सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती थी, जो अकाउंटेंट करता था, हम लोग ही चेक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो और हमें सब पता होता था कि चेक लगाना है नहीं लगाना है, या हम सबको मना कर देते थे कि भाई अभी अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप मत लगाइएगा।
तो ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ सत्संग कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए। गुरु जी को मैंने यहाँ चेक किया और गुरु जी ने उसका जवाब दिया। अब जो चेक वाली कहानी थी वो ये थी कि जो मेरा अटेंडेंट था, जो मतलब मेरा मेरे ऑफिस का जो मेरा चपरासी था, वो नीचे अकाउंटेंट से मेरा चेक ले आता है। जैसे मेरे पास फ़ोन आता है उसका कि सर आपका चेक है, मैं ले लूँ क्या? ये सर चेक दे रहे हैं तो आप बताओ। तो मैंने कहा हाँ मेरा भी ले लो, मेरे बॉस का भी ले लो। मैंने कहा ठीक है। अब उसने इतनी बुद्धि चलाई कि अकाउंट नंबर उसके पास रहता था हमारा, उसने इतनी बुद्धि चलाई कि वो जाके तुरंत जो है HDFC बैंक में जाके ड्रॉप कराया चेक। चेक ड्रॉप करके आके बोलता है कि सर मैं तो आप दोनों के जो वो मेरा वाला जो चेक है वो आपका मैं डालाया हूँ, और अभी जो विक्रांत सर का जो चेक है वो अभी मेरे पास रखा हुआ, मेरा डालाया वो। तो जब मेरा चेक डाल के आ गया तो मैंने कहा अरे यार तू तो अभी गलत डाल के आया, अभी तो अकाउंट में जो है अभी तो मना किया हुआ है ओनर ने कि अभी अकाउंट में पैसा नहीं है और तुमने गलत डाल दिया यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने अपने बॉस को बताया तो उन्होंने मुझे गुस्सा किया कि यार मैंने तुम लोगों को मना किया हुआ था। मेरे मैंने कहा क्या बोलूँ, ये अनिल गया पता किसी काम से गया था और ये चेक डाला है। तो बोले यार आप डांट पड़ेगी, और आपको पता ही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा पॉलिटिक्स रहती है। तो हम लोग उस पोजीशन पे थे कि मतलब 4 NT में रहते थे उस समय लोग। तो मैंने कहा यार इस समय तो बड़ी डांट पड़ने वाली है। कहा कोई बात नहीं, हमने अपने गुरुजी को दांव पे लगा दिया उस समय। हमने गुरुजी को बोला, मैंने कहा सब लोग कहते हैं कि आप जो हैं भगवान हो और आपने इतनी सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, तो ये जो चेक है वो बाउंस नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो अब हमें तो यही था मन में कि गुरुजी थोड़ी चेक क्लियर कराने जाएंगे। चेक तो या तो पैसा है, जब बैंक अकाउंट में बैंक में जब पैसा होगा या तो चेक उससे क्लियर होगा, या पैसा डलवाया जाए तब उससे चेक क्लियर होगा, और उसकी वैलिडिटी भी 2 या 3 दिन होती है। आपको पता है अगर आज हमने चेक लगा दिया कल आपके अकाउंट में वो शो होता है, परसों आपके 3 दिन में, अगर अदर बैंक है तो वो आपके 3 दिन में क्लियर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, हमने जो हमारे बड़ा अकाउंटेंट था मैंने डरते हुए उसको बताया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, आज वो दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने बड़े कूल व्यक्ति थे, उन्होंने कहा यार सचिन तुमने बहुत गलत कर दिया यार, अगर चेयरमैन साहब को पता लग जाएगा तो यार वो गुस्सा करेंगे, और आप लोगों को तो ये सब चीज़ पता रहती है, उसके बाद भी आपने डलवा दिया यार चेक। तो हमने कहा, मैंने कहा साहब गलती तो होगी, अब जो भी होगा मैंने कहा बाउंस होगा बाउंस होगा, आप बता दीजिएगा कि गलती से डल गया चेक। ठीक है, मैंने कहा अकाउंट में इस समय कितना पैसा पड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा अकाउंट में कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि जो है आपका चेक क्लियर हो जाए। चलो जी यहाँ कन्फर्म हो गया कि अकाउंट में पैसा नहीं है ना। अब गुरुजी की लीला, हमने तो गुरुजी को दांव पे लगा दिया था, मैं तो दांव ही बोलूँगा उस समय, कि अपने चेक करने के लिए अपने स्वार्थ के लिए गुरुजी को हमने बोल दिया कि गुरुजी अब आपको चेक क्लियर करवाना है। गुरुजी ने कहा कि चल ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मांगी भी तो तूने क्या मांगी, एक छोटा सा चेक क्लियर करने के लिए। ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे सत्संग सुनते हैं गुरु जी कहते थे कि ये तो भाग बिलो उसकी विलास की चीज़ें हैं, आप मांगो तो मोक्ष मांगो, है ना। हम वो चीज़ नहीं मांगते, हम तो अपनी डेली रूटीन में जो हमारी समस्याएं होती हैं हम तो उनके लिए बोलते हैं कि गुरु जी को हमारे तो नल में पानी नहीं आ रहा तो नल ठीक हो जाए, या पैसा नहीं आ रहा तो पैसा दे दो, या किसी से लड़ाई हो गई तो हमारी उसमें विजय हो जाए। हम तो ये सब चीज़ें मांगते हैं ना, हम तो जो अच्छी चीज़ है उसके लिए तो कभी फोकस ही नहीं करते ना, उस तरफ ना माइंड भी नहीं लगाते हैं हम लोग तो। खैर कोई बात नहीं, जब ये बात हो गई कि अकाउंट में पैसा नहीं है तो हम तो खुश थे। मैंने कहा इस समय देखते हैं गुरुजी कैसे चेक क्लियर कराते हैं। तीसरे दिन हमारे पास शाम को मैसेज आता है कि आपका चेक क्लियर हो गया, जो अमाउंट था डेट वाज क्रेडिट इन योर अकाउंट। ये मैसेज हमने पढ़ लिया अपने मोबाइल पे, तुरंत हमने अपना नेट बैंकिंग ऑन करा, चेक किया कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या मैसेज ये अभी चेक क्लियरेंस में है। जब चेक किया तो अमाउंट वाज क्रेडिट इन आवर अकाउंट, देखा ठीक है भाई सही है। तब भी यकीन नहीं हुआ, अभी अभी देखो साहब अभी भी गुरुजी पे संदेह कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तभी भी यकीन नहीं हुआ कि ये गुरुजी का है। लेकिन हाँ हल्का सा मन में ये आ गया था कि शुक्राना गुरुजी आपने आज मेरी लाज बचा ली, मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। उस समय इतनी प्रॉब्लम चल रही थी ऑफिस में कि लोग जो हैं फिंगर टच करते कि अरे यार आपने इतना बड़ा गलत काम करवा दिया, और चेयरमैन को पता लगती तो वो तो अलग बोलता ही बोलता कि यार तुम्हें सब चीज़ पता होने के बावजूद भी ये चीज़ करें। खैर गुरु जी ने मेरी उस समय बड़ी इज्जत बचाई। तो मैंने अकाउंटेंट को फिर फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुम तो मना कर रहे थे यार और चेक क्लियर करने के लिए, मेरा तो चेक क्लियर हो गया, मेरे तो अकाउंट में पैसा आ गया। तो अकाउंटेंट का बोलना था कि सचिन जी आपका बहुत बड़ा ये मानो कि मतलब आपका लक है कि आज सुबह चेयरमैन साहब ने इसमें 1.5-2 लाख रुपए डाले थे,
जिसमें केवल कुछ स्टूडेंट्स के चेक थे उनका पैसा क्लियर हुआ और आपका चेक का क्लियर हुआ है, बाकी तीन चार फैकल्टी ने जो गलती से डाले थे उनके सबके चेक बाउंस हो गए हैं। और अभी मैं उनको मेल कर रहा हूँ, उनको एक्सीलेट करूँगा, फिर वो रिवर्ट करते हैं, फिर एचआर देखेगा, वट एवर जो भी एक सिस्टम का प्रोसेस होता है वो होगा। देखो गुरुजी ने मुझे बचा लिया, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ठीक है, एक ये छोटा सा सत्संग था। उसके बाद जो है अभी भी दिल मानने को, दिमाग मानने को ये तैयार नहीं था कि गुरुजी भगवान है। मंदिर में एक दिन पूजा कर रहा था बैठ के, तो मैं बोला गुरुजी से ही बोला, गुरुजी एक बात हो, लोग कह रहे हैं कि आप साक्षात शिव हो, है ना, शिवजी हैं आप। तो ये जो मेरे एक और स्वरूप लगा हुआ था मेरे मंदिर में, मैंने कहा पार्वती माता के साथ और गणेश जी भगवान के साथ, तो मैंने कहा फिर आप दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं कैसे मानूं कि आप शिव जी का रूप है। तभी मेरे कान में आवाज़ आती है कि तूने मुझे तो देखा है, क्या तूने शिव जी महाराज को देखा है जो तेरे स्वरूप लगे हुए हैं कि जैसे ये फोटो है। मैंने कहा ये तो जो स्वरूप है, मैंने हाँ ये भी बोला था, मैंने कहा देखो इनके तो इस तरीके से नाग हैं और ये इस तरीके से बैठे हैं, शेर की जो खाल है उसके ऊपर बैठे हैं, पार्वती माता रानी बैठी हैं, गणेश जी बैठे हैं। तो गुरुजी का एक अंदर से आवाज़ आती है और एक कान में एक आवाज़ आती है कि तू मुझसे तो मिला है, ठीक है, इनसे तो मिला भी नहीं है ना, तो अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं शिव हूँ या ये शिव हूँ। अब तू तुझे डिसाइड करना है कि तू देख कि तुझे किस में लगता है। चलो साहब, मैंने कहा जी ये तो आपने मुझे फिर दुविधा में डाल दिया कि अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि आप भगवान हो कि ये भगवान है। तब फिर उन्होंने कहा कि ये देखो कि तुम्हारा कनेक्शन किसके साथ लगता है। फिर उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तभी उसी समय मैं पूजा कर रहा हूँ, ध्यान में हूँ, ठीक है, उसी समय गुरुजी ने बोला कि ये देखो कि तुमने आज तक कितने सारे भगवानों को मानते हो और किससे तुम्हारा कनेक्शन जल्दी लगता है, कौन तुम्हारी जल्दी सुनता है, ठीक है, और तुम्हारा किसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश है, जो जल्दी सुन लेता है इसका मतलब वही तुम्हारा एक मतलब एक भगवान है, ठीक है। तो चलो साहब, मान ली, ये जवाब गुरुजी ने दिया। फिर गुरुजी के जैसे फेसबुक पे आंसर आते हैं, व्हाट्सएप पे आंसर आते हैं, बहुत सारे आंसर आए, वो सुने भी, ठीक है, देखे भी, वो उसी से रिलेटेड थे, ठीक है। और अभी भी मेरे सामने जो गुरुजी का एक स्वरूप, बहुत प्यारा स्वरूप रखा हुआ है, इतना मतलब गुरुजी मुस्करा रहे हैं कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस समय बैठे हैं और गुरुजी साथ में हैं, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। उसके बाद जो है अगला आपको छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल जो है 15 तारीख है और कल 4 बजे जो है सिंगर हैं एक जसलीन कौर आंटी हैं, कल उनका भजन सत्संग है, तो और अपने ही ग्रुप पर है, गुरुजी नाल मोजा पर, तो सब लोग आप उसको अटेंड करिएगा। और आज एक आंटी हैं बुलबुल आंटी, वो आप लोगों को और हम लोगों को बताएंगी कि जो शिवरात्रि शिव पुराण से रिलेटेड जो शिवरात्रि का है, जो उसकी व्रत कथा है, ठीक है, आज उसका भी है 8 बजे से, आप ग्रुप पे देखिएगा, आप उस समय लाइव होइएगा सब लोग, ठीक है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेंगे हम सब लोग उस समय, तो उस पे ग्रुप पे जुड़ना है, तो ध्यान रखिएगा आप ये दोनों चीज़ें, ठीक है, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब बताती है कि हम लोग जो हैं थोड़ा पंडितों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। गुरुजी ने देखो मेरे स्टोन कैसे उतरवाए, मैं पहले 3-4 स्टोन पहनता था, गले में स्टोन पहनता था, हाथ में स्टोन पहनता था, ठीक है, और उनको रिन्यू कराता था, 40-40, 50-50 हज़ार में वो रिन्यू होते थे, ठीक है, और जिसके थ्रू कराते थे बिलीव था, गुरुजी के ऊपर बिलीव नहीं था उससे पहले, लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजी के हम जुड़े 2015 से, तो गुरुजी ने अपना मतलब बाँह, कहते हैं ना एक उंगली पकड़ तो उन्होंने, खैर मेरी बाँह पूरी 2006 में ही ली थी, लेकिन मुझे नहीं एहसास था, ठीक है, लेकिन बस ये था कि धीरे धीरे 2006 में उन्होंने फिर किया, 2009-10 में उन्होंने फिर एक इन्फॉर्मेशन भेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर 2015 में एक मैसेज, कहाँ कैसे वो हल्द्वानी जाता है, फिर हल्द्वानी से मतलब आप देखो राजनगर एक्सटेंशन से वो हल्द्वानी जाता है, जबकि हाँ यहाँ पे मैं आपकी एक चीज़ बताऊँगा, नागनी अंकल का बोलना है, आज भी बोलना, अगर कोई जानता हो तो आप उनसे पूछिएगा, उन्होंने कहा मैं केवल, अब मेरे यहाँ जो सत्संग होता है केवल मैं उन्हीं लोगों को शेयर करता हूँ जो मुझे जानते हैं और मेरी लिमिटेड संगत है, ये समझिएगा। पता नहीं वो हल्द्वानी कैसे पहुंच गया, ये गुरुजी की लीला है, और हल्द्वानी से दीदी का भेजना मेरे यहाँ पर, वो भी एक अपनी गुरुजी की लीला है, आप सोचिए। फिर हमारा उन अंकल के यहाँ जाना और सत्संग में जाना और फिर मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेना, ये भी गुरुजी की, धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो स्टोन की बात बताता हूँ मैं आपको, तो स्टोन हम लोग पहनते हैं
और एक गले में पहनता था, जो भी जिस समय की वो राशियां चल रही होती हैं आपको पता ही है, जो पंडित जी बता देते हैं कि इस समय पुखराज पहन लो, कि इस समय नीलम पहन लो, कि इस समय ये पहन लो, तो वो तीन चार हाथ में कि मोती पहन लो। तो दिल्ली के एक पंडित जी हैं, एक मुरादाबाद के हैं और एक ग्वालियर के थे, तो हम इन तीन चारों से जुड़े हुए थे, तो कहते हैं ना उन्हीं से लाइफ चल रही थी हमारी, कि हाँ भाई ये स्टोन है। तो गुरु जी ने मेरा एक वो खर्चा कम कराया। मैं गुरु जी के एक दिन दरबार में बैठा हुआ था, तो मन में आया कि जब गुरु जी आप हो तो मुझे इन स्टोन, मतलब गुरु जी जो एक मन में जो है ना, गुरु जी ही डलवाते हैं, मतलब एक थॉट जो आता है वो गुरु जी के थ्रू ही आता है, ऐसा नहीं कि आपके थ्रू आता है। गुरु जी, मैं मंदिर में बैठा हुआ था, पूजा कर रहा हूँ, दीपक जलाया, जोत जलाई, जैसे रूटीन की पूजा कर रहा हूँ, मन में आया कि जब सामने गुरु जी हैं तो इन स्टोन की क्या ज़रूरत है, आप बिलीन भी करेंगे साहब, मैंने उतारे स्टोन, किसी से कोई डिस्कस नहीं करा, कुछ नहीं करा, गले में से, जबकि मैंने कोई उस समय तक, अब तो मैं बहुत सत्संग सुनता हूँ गुरु जी के स्टोन के, बहुत सारे अंकल या बहुत सारे लोगों के सत्संग हैं कि गुरु जी बोलते थे कि स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए और ये सब नहीं पहनने चाहिए, उस समय तक मैंने शायद 2015-16 में कोई ये सत्संग नहीं सुना था, या उसके बाद भी नहीं सुना था। ये तो अभी लॉकडाउन वाले पीरियड में हम लोगों ने बहुत सत्संग सुने हैं गुरु जी के। तो उस समय मैंने गुरु जी का, जब मैं दरबार में बैठा था अपने में, तो गुरु जी का स्वरूप के आगे मैंने गुरु जी के आगे स्टोन उतार कर रख दिया, गुरु जी अब आप जानो और आपकी महिमा जाने, मुझे नहीं पता, क्योंकि कहते हैं ना जिस वेले आप रखो उसी वेले रहना है मुझे, ठीक है, परेशानी है तो वो आपकी है, आप सुख दोगे तो वो भी आप दोगे, दुख दोगे तो वो भी आप दोगे, ठीक है। तो उतार दिया, बस हल्का सा माइंड में थॉट था कि यार ऐसा ना हो कि स्टोन उतार दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई बात नहीं, अब स्टोन तो उतार ही दिया और फिंगर से भी मोती उतार दिया था, दो स्टोन में पहनता था, एक गले में पहनता था, वो दोनों तीनों उतार दिए, उतार के गुरु जी के दरबार में रख दिया, अभी भी वहीं गुरु जी के दरबार में रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब जब स्टोन उतर गए तो अब मन में हल्का सा, तो आपको पता ही है कि जब कोई चीज़ उतार दे तो मन में एक बहम रहता है, जबकि गुरु जी कहते हैं कि बहम की कोई दवाई नहीं है और ना आपको बहम करना चाहिए। तो अब जब उतार दिया तो उतार दिया, लेकिन अब क्या है कि उस समय मैं जॉब भी करता था, मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस भी करता हूँ साथ साथ, तो उस समय दो तीन बार जो है बिजनेस में थोड़ा सा लॉस आने लगा, तो मन में वही एक बहम कि कैसा तो नहीं मैंने स्टोन उतार दिया है तो ये उसकी वजह से लॉसेज आ रहे हैं या इस तरीके से हो, लेकिन वही है ना गुरु जी का हम इंडिकेशन नहीं समझ पाते हैं, हम तो हर हर चीज़ में अपना स्वार्थ देखते हैं ना, कि हर चीज़ में हमारा सेल्फिशनेस, हमारी, हमें फ़ायदा होना चाहिए ना हर चीज़ में, लेकिन उसके फोरकास्टिंग नहीं करते हम लोग, कि उसमें भी गुरु जी की कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। खैर कोई बात नहीं, गुरु जी ने फ़ायदा भी कराया बहुत सारी चीज़ों का, जहाँ नुकसान भी, अगर उसको स्टोन से उतारने की, मेरा है गुरु जी का कुछ नहीं है, गुरु जी ने तो जो मुझे ब्लेस किया बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करी हैं, मेरे मन के थॉट थे कि मैंने स्टोन उतार दिया तो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, अब ये फ़ायदा कराया तो ये गुरु जी ने करा दिया, ठीक है, गुरु जी ने तो हमेशा फ़ायदा कराया, अच्छी चीज़ें ब्लेस करी हैं। तो अब जब स्टोन उतार दिया तो दो चार चीज़ों में, दो चार ऑर्डर लिए, उनमें नुकसान गया, तो अब लगने लगा कि यार मुझे लग रहा है कि स्टोन मुझे दोबारा पहनने चाहिए। तो जैसे ही मैं गुरु जी के एक दिन दरबार बैठा, मैं गुरु जी मुझे लग रहा है कि यार मैंने स्टोन उतार दिए तो ये सब चीज़ें जो हैं उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो गुरु जी ने एक बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया एक ऑर्डर दे दिया जिसमें पुराना वाला नुकसान भी कवर हो गया और आगे वाला भी जो प्रॉफिट था वो भी कवर हो गया। क्या वो ये ना मन में तो इच्छाएं और एक कहते हैं ना लोभ, एक कहते हैं ना कि मतलब लालच, ये सब चीज़ें तो हमारी मतलब जुड़ चुकी हैं और मतलब पूरे शरीर में, मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से विराजमान है कि ये सब चीज़ें पहले आती हैं। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि गुरुजी भी ना जब अपने क्लास में, जब अपने स्कूल में जब एडमिशन देते हैं तो वो एक साथ ये सब चीज़ें क्लियर नहीं करते, वो पहले आपकी सोल को क्योर करते हैं, और ये शायद मुझे बहुत सारे सत्संग में इस चीज़ का आंसर मिला, और ये मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो 2006 से लेकर आज 2020 तक गुरुजी ने मुझे, मेरा कनेक्शन लगाया और मुझे अपने साथ जोड़ा, तो उन्होंने पूरा ब्लेस कराया धीरे धीरे धीरे, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, जो लालच है, वो धीरे धीरे उन्होंने सब चीज़ों को बाहर निकाला है और तब अपने साथ जोड़ा, ताकि कोई ये ना कह सके कि देखो ये गुरु जी का एक शिष्य कह लो या एक गुरु जी का सेवक कह लो या एक संगत कह लो, जो भी, शायद मैं बहुत बड़े वर्ड बोल गया हूँ, मैं छोटी सी संगत में ही आता हूँगा जो सबसे पीछे बैठती होगी शायद उसमें होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ कोई ऐसा ना कहे कि देख के बोले कि जब मैं बोलूँ जय गुरु जी तो कोई कहे अच्छा ये भी, ये ऐसे गुरु जी के हैं, मतलब जो संगत है वो ऐसी गुरु जी के, तो इसलिए गुरु जी सबको इतना प्योरली ब्लेस करते हैं, इतना प्योरली क्योर करते हैं, उनकी जो सोल है उसको इतने आराम से
क्योर कहते हैं ना कि तब आपको सब चीज़ें रिमूव करने के बाद आप अच्छे इंसान बन के बैठो, अच्छी चीज़ें सीखो, ये सब चीज़ें मैंने इस पीरियड में फील करी हैं। तो अब जब उसके बाद था तो मेरी जॉब पर भी थोड़ा सा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि स्टोन तो मैं उतार ही चुका था। अब माइंड में तो एक थॉट चल ही रहा है कि भाई तूने स्टोन तो उतार ही दिया, अब कोई भी चीज़ गलत हो मैं पहले स्टोन पे सोचूं, मैं गुरुजी के दरबार में जब भी सुबह पूजा करूं मैं गुरुजी को बोलूं, मैंने गुरुजी ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा स्टोन पहनने पड़े। खैर गुरुजी भी, जब हम गुरुजी का एग्ज़ाम लेते हैं तो गुरुजी भी तो हमारा एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो गुरुजी ने साहब हमारा एग्ज़ाम लिया। तो गुरुजी ने जो है मेरे ऑफिस में ही एक दिन मेरे चेयरमैन को बुलाया, उसने जो है मुझसे बोला कि भाई तुम इन लोगों को निकाल दो जॉब से। तो जब बात होती है तो भाई आप किसी को रखना या ना रखना तो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, आप किस तरीके से बोलो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पे कि भाई आप जो है, मैं उस समय एचआर भी देखता था, आप लिस्ट मुझसे बनवाते हो कि आप इनको बोल दो, तो बड़ा दुख होता था किसी को बोलने के लिए कि भाई आप कल से मत आना, ठीक है, क्योंकि आज मैं उनको बोल रहा हूँ तो कोई मुझे भी तो कल को बोलेगा कि भाई तुम भी मत आना कल से, तो बड़ा दुख होता था। तो मैं भी अपने डायरेक्टर वगैरह जो थे मैं उनको मना करता था कि यह सब काम आप मुझसे मत करवाया करो, कि मैं बोलूँ कि भैया आप कल से मत आओ। तो खैर जॉब का पार्ट था, करना पड़ता था। उसके बाद जो है एक दिन ऐसे ही मैंने अपने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा जी मुझे लगता है कि अब मुझे जो है जॉब से रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि सैलरी में ग्रोथ नहीं हो रही है, और जबकि मेरे पास दूसरी जॉब नहीं, आप ये भी सोचिए, गुरुजी का अपना एक आशीर्वाद था बस, तो मुझे लग रहा था। तो मेरे डायरेक्टर ने बोला कि हाँ यार दिक्कत तो है ही यहाँ पर, मैं भी सोचता हूँ कि रोज़ रोज़ लोगों को बोलना पड़ता है निकालने के लिए, तो देख लो आप गोयल साहब जैसा आपको ठीक लगे। जबकि मेरी जॉब में दिक्कतें 2011 से आनी स्टार्ट हो रखी थी, जब इतना डर लगता था कि मतलब लगता था कि परिवार कैसे चलेगा या कैसे चीज़ें चलेंगी, कैसे इस्टेब्लिश होंगी, दो बच्चे हैं, उनका स्कूलिंग है, सब कुछ है, वट एवर है, घर की EMI है, कैसे सारी चीज़ें चलेंगी। पर गुरुजी ने 1.5 साल पहले इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया इन सब चीज़ों में कि मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया। जब रिजाइन दे दिया तो मेरा बिजनेस उस समय ठीक ठाक चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि हाँ मतलब जो मेरे को अर्निंग वहाँ से हो रही थी वो अर्निंग मेरी बिजनेस से हो रही थी, तो मैंने सोचा कि यार चलो जॉब को जो है छोड़ दो, ठीक है अब बिजनेस पे ही ध्यान दो, यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो, किसी की जॉब खाने से बेटर है, पता नहीं उसके घर परिवार में क्या दिक्कतें हैं, वो गाली तो हमें ही देगा ना, इंटरफेस तो उस समय ही है, ये मन में थी। और फिर गुरुजी ने भी अपनी ब्लेसिंग दे रखी थी कि भाई किसी का बुरा मत करो किसी के बारे में, जब हम किसी को जॉब नहीं दे सकते तो किसी की छीने कैसे। वहाँ इतनी गंदगी मच चुकी थी उस समय कि मैंने सोचा कि अब यार यहाँ से चलने में ही अच्छा है, आप यहाँ से चला जाए तो बेटर है, अपने बिजनेस पर ही फोकस करो। तो अब गुरुजी का उस समय मेरा एग्ज़ाम लेने का टाइम था, अब गुरुजी ने जो एग्ज़ाम लिया वो ये था कि वहाँ से तो मैंने जॉब का रिज़ाइन मारा और मैंने अपना बिजनेस पर फोकस किया। अब मैं जो बिज़नेस कर रहा था 1-1.5 महीने तो अच्छा चला, उसके बाद जो है उसमें दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ भी गुरुजी का एग्ज़ाम लेना था ना कि अभी तो मेरे ऊपर बिलीव कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब इतना हो गया कि मतलब मेरी 1 रुपये की इनकम नहीं था, जैसे होता है ना कि 1 रुपये बिल्कुल जो सोर्स ऑफ इनकम है इज ज़ीरो उस पीरियड में, 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ज़ीरो। तब फिर मन में एक थॉट आया कि यार ये जो है गलत हो गया भाई, इसका मतलब है स्टोन उतारा, पहले जॉब गई, अब बिजनेस भी ज़ीरो हो गया धीरे धीरे, क्योंकि जैसे पंडित लोग भी कहते हैं ना कि स्टोन जब आप पहनो तो 1-1-2-2 महीने बाद वो असर करना शुरू करता है, और जब आप उसको उतारो तो वो 2-3 साल लगता है उतारने में, तो ये माइंड में ये बहम भी चल रहा था। और इधर गुरुजी का भी साथ था, ऐसा नहीं था कि गुरुजी का साथ ना हो, लेकिन एक इंसानी चोला हम लोगों ने पहना हुआ है तो वो एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मतलब व्हाट टू डू और नॉट टू डू, कैसे करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन गुरुजी ने तो बहुत अच्छा पहले से ही सोच के रखा हुआ था, तो वही चीज़ है। तो अब क्या होता है साहब, मैं अपने एक दिन मैं आपको एक छोटा सा सत्संग है उसको शेयर करूँगा और बस उसी के बाद फिर विराम दूंगा अपनी वाणी को। मैं अपने ऑफिस पर बैठा हुआ था, एक सरदार जी आते हैं मेरे ऑफिस पर, और वो सरदार जी नहीं थे, वो गुरुजी थे, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं उस समय बहुत परेशान था, क्योंकि उधर जॉब गई उधर बिजनेस भी बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो अब परेशान था कि क्या करना चाहिए, जॉब दोबारा से स्टार्ट करूँ या बिजनेस करूँ। मैं अपने ऑफिस पर बैठा हुआ हूँ, एक सरदार जी आते हैं बड़े बड़े आँखों वाले, आके उन्होंने एंट्री की, मुझसे बोले मैं आके अंदर आ जाऊँ। मैंने बड़े एक रूड वे में, क्योंकि मैं उस समय बहुत परेशान था, मैं कहा हाँ बताओ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा रिटेलिंग का काम नहीं था, मैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता हूँ जो मैं अपना बिजनेस में करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, तो मेरा कोई ऐसा काम नहीं था कि वो बंदे से मेरा इंटरेक्शन हो। मैंने उसको बड़े रूड वे में बोला, मैं कहा हाँ बताओ क्या काम है।
उन्होंने बोला मैं अंदर आना चाह रहा हूँ। मैं क्यों, क्या हुआ बताओ, क्यों अंदर आना चाह रहा हूँ? तो उन्होंने कहा यार मैं बैठना चाह रहा हूँ, जब अंदर आने दोगे तभी तो बताऊँगा मैं। तो मैं चलो ठीक है आओ। तो उन्होंने अंदर आ गए, चेयर पे बैठ गए मेरे सामने, बोले बहुत परेशान हो। मैंने कहा वो तो हूँ। क्यों? मैंने कहा वो प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा आप बताओ। तो कि मैं आपको एक तावीज़ देता हूँ, देखिए गुरुजी का है एग्ज़ाम, देखिए गुरुजी मुझे टेस्ट करने आते हैं कि अभी भी इसका स्टोन में भरोसा है या मेरे ऊपर फेथ कर रहा है। तो मुझसे बोलते हैं कि लो मैं एक स्टोन, ये है एक तावीज़ है, इसको पहन लो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मैं बोला नहीं भाई, ये तावीज़ वावीज अगर मुझे पहनने होते तो मैंने कहा मैं पहन लेता। मैंने कहा मेरे ऑफिस में भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मैंने उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला, मैंने कहा देखो ये मेरे गुरुजी हैं। तो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा आप जानते हो ना? मैंने कहा हाँ। आप नहीं? मैंने कहा इनको सारी दुनिया जानती है। मैंने कहा ये डुगरी वाले मेरे गुरुजी हैं। और मैंने कहा जैसा है, मैंने कहा जिस वेले रखेंगे उसी वेले रखेंगे। मैंने कहा इन स्टोन विस्टोन पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो मुझसे बोलते हैं कि नहीं एक बार देख लो। मैंने कहा नहीं मुझे देखना भी नहीं है, मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, एक बार मैं उनको देखता था फिर मैं अपने लैपटॉप पर कंसनट्रेट करता था। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं तो आप एक बार पहन के इसको देख लो। मैंने कहा नहीं मेरे गुरुजी ने मना किया हुआ है, इन सब स्टोन विस्टोन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं अपने गुरुजी पे फोकस हूँ। मैंने कहा जो है वो इन्हीं को करना है। तो बोले अच्छा। तो मैंने कहा आप बताइए आप कैसे आना हुआ? बोला मैं जो है सोच रहा था कि मुझे कुछ खाने पीने के लिए, कुछ लंगर के लिए कुछ आप कर देते तो मैं हरिद्वार से आया हूँ। देखिए दूसरा इंडिकेशन दिया उन्होंने, लंगर का भी दिया हरिद्वार का भी दिया। तभी मेरी इतनी मोटी बुद्धि, मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे सामने साक्षात शिव बैठे हुए हैं। ठीक है। और मैं आपको इसमें बीच में बताता हूँ, वो दो लोगों की एंट्री होती है मेरे ऑफिस में, इन और एग्जिट है। तो एक बंदा जो पहले आता है वो बाहर निकल जाता है एग्जिट वाले से, और जो सरदार जी आते हैं वो इन आके मेरे सामने चेयर पर बैठ जाते हैं। तो उन्होंने जो है मुझे बोले कि मेरी तरफ देखो। अब मैंने कहा कि ऐसा ना हो यार मैं इसकी तरफ देख लूँ, ये मुझे अपने वश में कर ले और पता नहीं क्या क्या कराए। क्योंकि आजकल आपको पता ही है जब आप मार्केट में बैठते हो तो ऑफिस में बहुत सारे लोग इस तरीके के आते हैं। तो तब भी माइंड में नहीं था कि कोई इस तरीके का कोई बंदा है या कोई मेरे गुरुजी आए हैं, मुझे बिल्कुल नहीं था आइडिया, मैं आपको सही बताऊं। और ये अभी बात है, एक साल पहले की बात है, ये सितंबर अक्टूबर की बात है। ठीक है, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर। तो उस समय मैं उन्होंने मुझे जो है मेरी मैरिज एनिवर्सरी के बारे में बताया, डेट के बारे में बताया, मुझे कौन सा कलर पसंद है, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरे पेरेंट्स के उस समय एक साल पहले ऑपरेशन हुआ। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे ही पता थी, किसी को ना पता हो। उन्होंने मेरे घर के अंदर जो मेरे बेडरूम में कौन से कर्टेन लगे हुए हैं उन सब के कलर के बारे में बता दिया। तब भी आप देखिए जैसे एक पहले था किसी पंडित के पास बैठो, वो आपके पास्ट के बारे में बताया, फ्यूचर के बारे में बताया, तो आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। मेरा उस समय कोई ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस समय अपने बिजनेस को लेके, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके इतना परेशान था कि मतलब वो सब चीज़ें मुझे, या कह लो कि एक गुरुजी की ऐसी, मतलब गुरुजी ने ऐसा बाइंड कर लिया था अपने उसमें कि मुझे वो एहसास ही नहीं होने दिया कि वो सामने बैठे हैं। आप सोचिए, उन्होंने नहीं एहसास होने दिया कि वो सामने बैठे हैं और मैं एक बार भी सोचूं कि यार ये बंदा, इसको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला अच्छा कोई अपनी एक डेट चूज़ कर ले। मैंने 5 मार्च 2020 मन में सोचा। तो उन्होंने, मैंने पूछे बोला कि अपना क्वेश्चंस अपने मन में सोच ले। मैंने क्वेश्चंस भी सोच लिया। क्वेश्चन क्या सोचना था मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बिजनेस ही सोचा था कि मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, बस ये सही चले, दाल रोटी निकले, पहले तो यही है, बात की चीज़ें तो बात की है। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तुमने जो है दो चीज़ें सोची, एक तो तुमने 5 तारीख सोची है और एक तुमने जो है बिजनेस के बारे में सोचा है अपने माइंड में। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सोचा है दोनों चीज़ें। तो उन्होंने बोला 5 तारीख से पहले तुम देखना कि तुम्हें इतने बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे जिनकी मतलब आप सोच भी नहीं सकते, और अच्छा बिजनेस हो जाएगा। और जिस, मैंने उनको हाँ ये भी बोला था कि मैं सोच रहा हूँ कि ये बिजनेस बंद भी कर दूँ, जिससे बात होने लगी, काफ़ी देर बैठे थे वो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि जॉब कर लूँ, अब ये बिजनेस वगैरह हो सकता है मेरे बस की नहीं है, नौकरी पर ध्यान देना पड़ेगा दोबारा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये गद्दी जो है तो मैं शिव जी ने ब्लेस करी है, ये शिव रूपी गद्दी है और आपको जो है ये शिव जी ने ब्लेस करी है, आप इसको छोड़ो मत, इसी पर आप ध्यान करो, और बिजनेस में अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं, पर ये तो ना हो कि दाल रोटी खत्म हो जाए। मैं उनको ऐसे ही 1-to-1 बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सामने गुरुजी बैठे हैं। क्या कोई बात नहीं, उन्होंने बातों बातों में मुझे बोला कि तुम्हें लग रहा है तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम लैपटॉप पर तुम्हारा ज़्यादा फोकस है, और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना तुम मुझे देखोगे तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। तब भी मेरे इस मोटी बुद्धि में ये नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं और मैं सुन क्या रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे गुरु नानक जी का एक फ़ोटो दिया। उन्होंने कहा ये जो है आप फ़ोटो रखो
और इस फोटो को आप, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस फोटो को, जैसे एक पंडित जी से पूछते ना कि इस फोटो को मैं कहाँ लगाऊँ, घर पे लगाऊँ कि ऑफिस में लगाऊँ, उन्होंने कहा ऑफिस में लगाओ। उन्होंने दो तीन चीज़ें मुझे और बताई कि ये चीज़ बस नॉर्मल चीज़ें, कि आप अपनी सीट पे बैठते हो तो इसको टॉवल से कवर करके रखो और इस पर इस कलर का टॉवल डालो, और अपने ऑफिस में कर्टेन लगवाओ, आपने कर्टेन नहीं लगवा रखे विंडो के पास, ये चीज़ थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया। और वो चले गए। जैसे ही वो गए, मुझे 5 मिनट बाद एक, जैसे मैं एक सो के उठाऊँ वाली पोजीशन, मैं बोला, मैंने कहा ये बंदा आया कौन था। मैं तुरंत ऑफिस के अपने गेट से बाहर निकलता हूँ, 5 मिनट भी नहीं हार्डली, मेरा थर्ड फ्लोर पे ऑफिस है, तो आप समझ सकते हो कि तीसरे माले से, मंजिल से जब कोई बंदा नीचे जाएगा तो 5 मिनट तो उसे लगेंगे साहब, 5 से 7 मिनट। मैं कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, कोई बंदा नीचे नहीं उतरा। मैं सेकंड अपनी थर्ड फ्लोर पे पूछता हूँ आस पड़ोस वालों से, सेकंड फ्लोर पे जाता हूँ, मैंने कहा कोई सरदार जी उनके साथ कोई दो बंदे आए थे आपने जाते हुए देखा, एक नीचे कारपेंटर वाला है, वो कारपेंटर का काम करता रहता है बिल्कुल जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे, बिल्कुल वो सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैंने उनसे आगे पूछा, मैंने कहा अभी आपने किसी सरदार जी को यहाँ से जाते हुए देखा। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कोई आपके यहाँ सरदार जी आए थे कोई लंगर प्रसाद की कोई सेवा लेने या इस तरीके का? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं था साहब। मैं फिर अब वापस अपने ऑफिस पे आया, फिर एक तो सरदार जी जो आए थे वो मेरे ऑफिस में बैठे थे, जो दूसरा वाला बंदा एग्जिट से निकला था मैंने मेरे दूसरे ऑफिस मतलब गेट से, तो मैं उसको भी देखने गया तुरंत, ठीक है, तब भी वहाँ कोई नहीं था। तो फिर मैंने अपनी मैडम को बताया, आंटी को बताया, और फिर सिस्टर को, दिव्या आंटी को बताया, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे कैसे थे गुरुजी। तब इन्होंने पूरा करा, अरे तेरे यहाँ तो गुरुजी आए थे यार, और मैं टाइम भी कम है, शुक्राना गुरुजी। और मेरा बिजनेस उस समय इतना अच्छा चला कि मुझे 3 दिन में 1 करोड़ रुपए का टेंडर मिला साहब। मेरी औकात नहीं थी 1 करोड़ रुपए का टेंडर करने के लिए, शुक्राना गुरुजी, मेरी बिल्कुल औकात नहीं थी। 3 दिन में 1 करोड़ का टेंडर मिला नहीं, मतलब उसकी स्टार्टिंग हो गई, ठीक है, वो 1 महीने में मुझे मिला, जबकि मेरा उम्मीद नहीं थी, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं था कि मैं 1 करोड़ का एक टेंडर कर लूँ, और गुरुजी ने मुझे वो 1 करोड़ रुपए का टेंडर दिया, ठीक है। आप सोचिए वो गुरुजी की कृपा थी, और वो किस तरीके से चला, किस तरीके से उसमें चैलेंजेस आए उसको एग्जीक्यूट करने में, गवर्नमेंट टेंडर था, वो सब गुरुजी की कृपा है। अब थोड़ा सा टाइम कम है नहीं तो मैं आपको वो भी आगे सत्संग शेयर करता, तो शुक्राना गुरुजी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्राना, सबको ब्लेस करो गुरुजी, ठीक है। और बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना इम्तिहान मत लो जैसे हम लोगों को आप 10 10 साल 12 12 साल कनेक्ट होने में लगा देते हो, उसी समय ऐसी सद्बुद्धि दो जो हम आपके चरणों में बैठ जाएं, बस ज़्यादा इतना ये दिमाग चलाएं ही ना, बहुत चलाते हैं हम सब लोग, हम मैं ही नहीं, मेरे मैंने बहुत सत्संग सुने, बहुत सारी संगत ऐसी हैं, उनको इतना मत करो, अपने अपने चरणों से जोड़ लो बस, और ऐसी सद्बुद्धि दो कि बस आपके बारे में ही सोचें और आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ठीक है। और मैं फिर आपको एक बार इंटीमेट कर रहा हूँ और आपको एक बार इनवाइट कर रहा हूँ कि जो हमारा गुरु जी नाल मोजा ग्रुप है उस पे 15 तारीख को सिंगर आंटी हैं जसलीन कौर, ठीक है, उनका भजन सत्संग कीर्तन होगा 4 बजे, सेम टाइम जैसे आज मेरा था, आप वो सब लोग सुनिएगा। और दूसरा आज रात 14 तारीख को जो 8 बजे अपने ही ग्रुप पर शिवरात्रि के जो व्रत के बारे में जो कथा है वो आंटी बताएंगी, ठीक है, बुलबुल आंटी हैं वो शेयर करेंगी। और इन लास्ट में मतलब अंकल को थैंक्स बोलूँगा, देवेंद्र अंकल को, जो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी लाइव आने के लिए, ठीक है, शुक्राना अंकल। और अगर संगत जी कोई गलती हो गई हो मुझसे, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग था, ठीक है, मुझे नहीं आइडिया कि किस तरीके से बोलना चाहिए, गुरुजी मेरे पास विराजमान है, अब गुरुजी ने जो थॉट दिया जो मेरे माइंड में आते चले गए वो मैं आपसे साथ सारे शेयर करता चला गया, अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।